बीकापुर अयोध्या की बड़ी खबर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत बसरामपुर में। इस बार के ग्राम पंचायत चुनाव में राम निरंजन निषाद जी को वहां की जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर नवनिर्वाचित प्रधान बनाया है। यहां पर कुल 5 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जिसमें राम निरंजन निषाद जी को 624 वोट मिले और अपने प्रतिद्वंदी को उन्होंने पीछे छोड़ते हुए 353 मतों से बड़ी जीत हासिल की। चुनाव जीतने के बाद राम निरंजन निषाद जी ने अपने ग्रामवासियों को इस बड़ी जीत पर बहुत सारी बधाइयां भी दी और उसके साथ हर वक्त खड़ा रहने की बात भी कही। जिस प्रकार यहां की जनता ने भारी मतों से राम निरंजन निषाद जी को विजयी बनाया है, इससे वो बहुत खुश हैं और ग्रामवासियों के लिए हर सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। विकास के मामले में ग्राम सभा काफी पीछे दिख रहा है, इस बात को लेकर नवनिर्वाचित प्रधान राम निरंजन निषाद जी ने अपने ग्राम सभा को विकास के मामले में आगे ले जाने की बात भी कह रहे हैं और हर प्रकार से ग्रामवासियों की सेवा करने का वादा भी कर रहे हैं। समाचार से ये थी हमारे संवाददाता सर्वेश कुमार की खास रिपोर्ट। प्रधान जी अपना परिचय बताइए। हमारा नाम राम निरंजन निषाद, ग्राम पंचायत बसरामपुर। कितने प्रत्याशी आपके ग्राम पंचायत में इस बार खड़े थे? 5। कितना वोट आपको मिला है? हमें मिला 624 वोट। कितने वोट से आप विजयी हुए हैं? 353। 353। आपके यहाँ नाली खड़ंजा हम देख रहे हैं, काफ़ी टूटा फूटा है, सारी व्यवस्थाएं चितर बितर है, इसके बारे में आपकी क्या योजनाएं रहेगी आगे? आने वाले समय में सरकार की जितनी योजना आएगी विकास के लिए, वो पहली प्राथमिकता गांव के विकास के लिए होगी हमारी जी। ये मजदूर भाइयों के लिए आपके लिए क्या योजना है? सरकारी योजनाएँ जितनी भी आएँगी जी, सारी योजनाओं में मजदूर को हर संभव उनको लगाया जाएगा। हाँ, इस कोरोना महामारी में आप देख रहे हैं काफ़ी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, इसके लिए आपके पास क्या योजना है? किसानों के लिए आपके पास क्या योजना है? किसान भाइयों के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? काम दिलवाना नरेगा। किसान भाइयों के लिए सरकारी मनरेगा में जो काम होता है उसको दिलवाया जाएगा जी। ये विधवा पेंशन है और वृद्धा पेंशन है, विधवा विकलांग वृद्धा जी, जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं जी, सारी योजनाएं जनता को दिलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।